गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY जो कि बनेगा एक कच्चे हल्दी से। और आप सभी को पता है कि कच्चे हल्दी हमारे चेहरे के लिए हो चाहे हम खाए कितना अच्छा होता है, और कच्चे हल्दी में या हल्दी में सिर्फ कितनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। और हम इसमें ऐड करेंगे बेसन और नींबू। नींबू ब्लीचिंग का काम करेगा और बेसन रंग गोरा करने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है कच्चे हल्दी का फेस पैक। अगर आपके चेहरे पे छोटा छोटा दाग धब्बे हैं, पिंपल्स है, ब्लैक हेड्स है या पिगमेंटेशन है, अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, ये कच्ची हल्दी लगाते ही आपका चेहरा देख लेना, एक या दो बार लगाने पे ही कितना अच्छा हो जाएगा। और अगर आप इसको वीक में 2 times यूज़ करेंगे तो आप लोगों के जो चेहरे हैं, चेहरे ही क्यों, आप इसको नेक, अंडरआर्म्स, शोल्डर, हैंड्स, लेग्स, नीज, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को छील लिया है, धो लिया है। अब हम ले लेंगे कटोरी, एक ऐसा छोटा सा कद्दूकस ले लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर मशीन में भी पीस सकते हो, पर मैं यहाँ पे ऐसे कद्दूकस कर लूँगी। इसके जो छेद है वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए देखिए कितना फाइन पेस्ट जैसा ही बनेगा ये। इसमें हम डालेंगे 6 से 7 ड्रॉप नींबू का रस, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच बेसन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत फाइन सा एक पेस्ट बना लिया है, अब हम इसको अप्लाई कर लेंगे जो हमने बनाया फेस पैक पूरे फेस पर। हम इसको दोनों हाथों में भी अप्लाई कर लेंगे अपने। आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नी, एल्बो, जहाँ पर भी आप लोगों के ब्लैक ब्लैक एरिया है, हर जगह ये वाइटनिंग का काम करेगा। जिनकी शादी वगैरह है वो अगर हर हफ्ते में 2-3 बार अप्लाई करें तो उनको बहुत फ़र्क नज़र आएगा अपने फेस पर। हम इसको 15 मिनट रख लेंगे और अपने फेस को अच्छे से धो लेंगे। अब मैंने अपने फेस को धो लिया है 15 मिनट के बाद। एक बार लगाते ही देखिए मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।